नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जो पीडियाट्रिक्स का न्यूरोसेंसरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली वीडियो को हम काफ़ी छोटा रखने की कोशिश करेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर फोकस करते हुए हम आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। और अब देखिए, पहला लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 आवर्स ऑफ लाइफ द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट फॉर ए चाइल्ड विद माइलोमेनिनजेसिल वुड बी एन इन्फेक्शन। मीन्स जो फर्स्ट 12 आवर्स होंगे बर्थ के बाद, और यदि बेबी माइलोमेनिनजेसिल के साथ उसका बर्थ हुआ है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन सी रहेगी, वो है एक इन्फेक्शन। तो हमारे लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्स का क्या रहेगा नॉट जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी फंक्शन है वो रहेगा इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट करना। मीन्स आपको उसको जो भी इन्फेक्शन प्रिवेंटिव मेथड्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बारे में और डिटेल से हम जब पीडियाट्रिक्स का अलग से सेशन शुरू करेंगे, जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा एम्स दिल्ली का, उसके बाद हम अलग से इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तब तक हम की पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोसिफेलस सभी को मालूम है, ये किस वजह से होता है? अल्टरेशन इन सर्कुलेशन ऑफ CSF, मीन्स CSF का जो सर्कुलेशन है वो अल्टर्ड हो जाता है, तब हाइड्रोसिफेलस होता है। इस कारण से क्या होता है, इंक्रीज इन CSF बढ़ जाता है, और इसके कारण से फंटानेल बल्ज करने लग जाते हैं। बल्जिंग फंटानेल देखने को मिलता है, वो है हाइड्रोसिफेलस में। अगला पॉइंट है इंक्रीज्ड इन ICP दैट ऑकर्स विद हाइड्रोसिफेलस। मीन्स हाइड्रोसिफेलस में ICP बढ़ेगा, तो इसके कारण से क्या होगा, सेटिंग सन साइन ये देखने को मिलता है बच्चे में। मीन्स उसकी आइज़ कैसे हो जाती है, आइज़ डेविएटेड टू डाउनवर्ड, मीन्स उसकी आंखें नीचे की तरफ झुक जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सेटिंग सन साइन, ठीक है। और उसकी बच्चे की क्राई है वो, मतलब जो रोना है वो हाई पिच्ड क्राई होता है, ठीक है, बहुत तेज़ रोता है बच्चा, तो ये देखने को मिलता है। ये किसका साइन है, इंक्रीज्ड ICP का साइन है। अब हम हाइड्रोसिफेलस का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें संट इंसर्शन करते हैं, आपको पता है। अब संट इंसर्ट करते हैं, सपोज यदि हमने राइट साइड में संट इंसर्ट किया है, तो हमें किस पोजीशन में लेटाना है, किस में नहीं लेटाना है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसमें बताया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो आप देखिए, राइट साइड में यदि उसमें संट इंसर्ट किया है, तो आप क्या करना है, द चाइल्ड शुड बी प्लेस्ड फ्लैट इन द बेड। मीन्स चाइल्ड को हमें फ्लैट रखना है, सेमी फाउलर या हाई फाउलर या जो भी पोजिशन है उसमें नहीं रखना है, ठीक है। दूसरा, उसको किस तरफ लेटाना है, लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, वो या तो लेफ्ट साइड में लेटाइए। यदि लेफ्ट साइड में कोई, मान लीजिए कोई फ्रैक्चर है कुछ है, तो आप उसको कैसे लेटाएंगे, ऑन हिज बैक, उसकी बैक पे, मतलब सीधा फ्लैट लेटा देंगे, ताकि इससे क्या होगा कि संट ओक्लूज्ड नहीं होगा। और यदि आपने उसको मतलब फ्लैट लेटाएंगे, तो इससे क्या होगा कि रैपिड डिकम्प्रेशन नहीं होगा, मतलब रैपिडली उसका जो प्रेशर है ना CSF का, वो कम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमें कैसे लेटाना, फ्लैट पहली चीज़। दूसरा है कि जिस साइड सेंटर डाला है उसके अपोजिट साइड में, यदि वो पॉसिबल नहीं है, तो आपका तीसरा बेस्ट आंसर जाएगा बैक पे उसको लेटाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा, ऑब्वियसली मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड करता रहता हूँ, इसके साथ फेसबुक पर भी हमारी टीम अपलोड करती रहती है इसको, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके आगे का देखते हैं कि आफ्टर संट इंसर्शन प्लेसिंग द चाइल्ड इन सेमी फाउलर और अपराइट पोजिशन में प्रमोट टू रैपिड डिकम्प्रेशन ऑफ CSF। मीन्स यदि बच्चे को आपने सेमी फाउलर या अपराइट पोजिशन में आपने लिटा दिया, तो क्या होगा उससे कि जल्दी CSF कम हो जाएगा, उससे जो उसका हेडेक है ऐसा सब कुछ प्रॉब्लम उसको होने लग जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको सेमी फाउलर या अपराइट में नहीं लेटाना है, वापस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेक्टाइल स्टिमुलेशन मीन्स बार बार आप बच्चे को टच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सीजर एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको जितना हो सके उसको कम से कम टेक्टाइल स्टिमुलेशन देना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल ऑब्वियसली काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने लिख दिया इसमें 135 to 145 mmol/L होता है। हाइपोनेट्रीमिया सीजर का एक इम्पॉर्टेंट कारण है इन्फेंट्स में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूनेट्स कैन बी हाइपोथर्मिक और हाइपरथर्मिक विद मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस में यदि पोले की फीवर आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, हाइपोथर्मिया भी देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार आप जैसे मेनिनजाइटिस का सिनेरियो दिया जाता है, और आप उसमें सोचते हैं कि टेम्परेचर तो है नहीं बच्चे को, तो इसमें मेनिनजाइटिस नहीं होगा, बट ध्यान रखना है कि हाइपो और हाइपर दोनों हो सकता है, क्योंकि बच्चे का क्या होता है कि एक्चुअली सीवरिंग नॉन सीवरिंग मेथड मैंने आपको एक बार जो वार्म चेन उसके बारे में एक वीडियो डाला है, उसमें देख सकते हैं आप कि हाइपोथर्मिया, ऑब्वियसली नियोनेटल हाइपोथर्मिया, उसमें मैंने बताया है ये सब चीज़ें, कि बच्चा हाइपोथर्मिया में भी जल्दी चला जाता है और हाइपर
थर्मिक ऑब्वियसली इन्फेक्शन की वजह से होने के चांसेस रहते ही हैं, तो इसलिए मेनिनजाइटिस में दोनों ही देखने को मिलेगा। द इरीटेशन टू द मेनिनजेस कॉजेज द न्यूनेट टू बी इरीटेबल एंड टू हैव अ डिक्रीज एपेटाइट। मेनिनजाइटिस में क्या होगा कि बच्चा इरीटेबल हो जाएगा और उसकी भूख घट जाएगी, ठीक है। द इन्फेंट विद मेनिनजाइटिस में भी पेल मोटल्ड विद अ बल्जिंग फुल फंटानल, ये भी एक साइन देखने को मिल सकता है। ओब्वियसली मेनिनजाइटिस का इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है CSF का, तो आपको हाइड्रोसिफेलस जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट विद मेनिनजाइटिस, जैसे बड़े बच्चे होंगे उनमें कैसे देखने को मिलेगा, आपको हेडेक देखने को मिलेगा, न्यूकल रिजिडिटी भी देखने को मिलेगी, मीन्स आप उसकी गर्दन को मोड़ना चाहेंगे तो उसको दर्द होगा और मुड़ नहीं पाएगी, मतलब झुक नहीं पाएगा लिटाने के बाद। एंड हाइपरथर्मिया, ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेंगे ओल्डर और एडल्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं टू ऑफ द मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आर इन अटेंशन एंड इम्पल्सिविटी, मीन्स ADHD बोलते हैं जिसको, अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसी को। तो इसके मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो एक तो इनअटेंशन रहेगा क्योंकि अपन इस नाम से देख सकते हैं अटेंशन डेफिसिट है। दूसरा हाइपर एक्टिविटी, मीन्स वो इम्पल्सिवनेस रहता है उसमें, जैसे ही आप बोलेंगे वो उससे पहले ही करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। देखिए एक वर्ड आता है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रन हु रिवर्स लेटर्स एंड वर्ड्स वाइल रीडिंग हैव डिसलेक्सिया, मीन्स डिसलेक्सिया के बच्चे हर लेटर को और हर वर्ड को क्या करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, दैट इज़ डिसलेक्सिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आस्ट 3 times इन द नीट PG एग्जाम, ओके। द चाइल्ड विद सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे को क्या करना चाहिए हमें, नीट कंटिन्यूटल ट्रीटमेंट, कंटिन्यूअल मतलब उसको कंटिन्यू ट्रीटमेंट चाहिए, उसके साथ साथ थेरेपी देने की जरूरत होती है ताकि उसका फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो, बना रहे। विदाउट थेरेपी क्या होता है कि मसल्स हैं वो सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट का वो मोर स्पास्टिक हो जाती है और वीक हो जाती है, इसलिए मैं उसको ऐसी थेरेपीज करनी पड़ती है, फिजियोथेरेपी देना पड़ता है ऑब्वियसली, जिससे वो मसल में टोन बना रहे, मसल स्पास्टिक नहीं हो, ठीक है। ऑल्दो सम चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पाल्सी आर मेंटली रिटार्डेड मैनी हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस, मीन्स कुछ बच्चों में, सबकी नहीं बोल रहे, कुछ बच्चे क्या होते हैं मेंटली रिटार्डेड होते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर बच्चे नॉर्मल इंटेलिजेंट होते हैं। एबसेंस सीजर आर कॉमनली मिस इंटरप्रेटेड एज डे ड्रीमिंग, मीन्स कई बार आता है कि डे ड्रीमिंग इज, तो इसमें लिखना आपको एबसेंस सीजर का सिम्टम हो सकता है ये, क्योंकि इसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं लोग। चाइल्ड लॉसेस अवेयरनेस बट नो अल्टरेशन इन मोटर एक्टिविटीज एक्सिबिटेड विद एबसेंस सीजर, एबसेंस सीजर में क्या होता है कि बच्चा का अवेयरनेस चला जाता है, बच्चा पता नहीं रहता उसको क्या हो रहा है, वो सोचता रहता है, ठीक है, मतलब अचानक से सुन्न हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं, लेकिन उसकी मोटर एक्टिविटी में कोई अल्टरेशन नहीं होता, मतलब वो बैठा बैठा सोचता रहता है, आँखें खुल गई और वह सोचे जा रहा है। कई बार अपने साथ भी होता था पहले छोटे थे तब, तो ये सब होता है एबसेंस सीजर। इसमें मोटर एक्टिविटी कुछ अल्टर नहीं होगी, मतलब ऐसे जैसे कि हाथ पैर मारना, जीभ बाहर निकलना, मुंह खोलना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, वो सब नहीं होता इसमें। एबसेंस सीजर यही है कि उसका कोई मोटर एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, अल्टरेशन। बल्जिंग फंटानेल एंड हाई पिच्ड क्राई आर टिपिकल साइन ऑफ ब्रेन ट्यूमर इन इन्फेंट ड्यू टू इंक्रीज्ड ICP, ऑब्वियसली इंक्रीज्ड ICP है, उसी वजह से आपको हाई पिच्ड क्राई देखने को मिल रही है और बल्जिंग फंटानेल देखने को मिल रहा है। और यदि ये ब्रेन ट्यूमर है तो उसमें भी, क्योंकि एक ऐसा पार्ट बन गया अंदर, या तो वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, ब्रेन ट्यूमर में तीनों लेयर ही अफेक्टेड होंगी, तो कोरोइड प्लेक्सस जो बनाता है वहाँ से ज़्यादा सिक्रेशंस होगा, ठीक है, और अरेकनॉइड मैटर जिसमें एब्जॉर्ब होता है वो एब्जॉर्ब उतना नहीं कर पाता है, तो यही प्रॉब्लम रहता है। कहीं ना कहीं ये ब्रेन ट्यूमर उसका पाथवे भी बंद कर देता है फ्लो का, और ऑब्वियसली हाइड्रोसिफेलस जैसा सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। फाइनली जिसको बोल सकते हैं आप इंक्रीज्ड ICP का सिम्टम्स में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैंने इतना ही इसमें डाला है, अगली वीडियो में हम फिर से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बचे हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, और इस पर जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम अपलोड करते रहते हैं। एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, यदि आप भी नए हैं हमारे चैनल पर, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस पर ना केवल आपको वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डालते रहते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।